साल में ऐसे ख्वाब देखे जिनसे उसका दिल घबरा गया और उसकी नींद जाती रही। तब बादशाह ने हुक्म दिया कि फालगीरों और नजूमियों और जादूगरों और कसदियों को बुलाएं कि बादशाह के ख्वाब उसे बताएं। चुनाचा वो आए और बादशाह के हजूर खड़े हुए और बादशाह ने उनसे कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को दरियाफ्त करने के लिए मेरी जान बेताब है। कौन है जो उसके भेदों को बोलने वाला, कौन है जो उसके सुरंग को जानने वाला, कौन जान कर सकता है? तो यहाँ पे लिखा है पर नजर बादशाह ने कहा क्या कि हुक्म जारी कर दिया। अब ये हुक्म जारी कर दिया कि इसको भेद को कौन बोलेगा, खुदा की बातों को कौन जान सकता है? और उसने क्या कहा? उसने कहा कि तमाम नजूमियों को जो बड़े अपने आप को माहिर समझते हैं, जादूगरों को जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, और उनको बड़ा जो सरदार कहाँ है जो इस चीज को समझते हैं, वो कहते हैं कि हम इनको जानते हैं, इसको बयान कर सकते हैं। तो वो क्या है? उसने सबको बुलाया, इकट्ठा किया और क्या किया उसने? और क्या किया? मेरे साथ लेके जरा तवज्जो के साथ ये हुक्म जारी किया कि जो कोई मेरे इस ताजिर को ख्वाब में देखा है, इसको बताएगा, बयान करेगा, तो मैं क्या करूंगा? उसको बड़ा एक अच्छा इनाम दूंगा और बहुत कुछ दूंगा, पैसा दूंगा और उसको अपने सर पे दाखिल करूंगा और अपने करीब लाऊंगा मैं उसको। और जो इसको नहीं बयान कर सकता फिर उसके साथ क्या होगा? उसको तलवार से कत्ल किया जाएगा, यहाँ तक उसके बच्चों को भी कत्ल कर दिया जाएगा।
वो सारे नजूमी मजूसी जितने थे जादूगर जितने थे सबको बुलाया और उनको जमा हो गए और उन्होंने क्या किया एक एक ने कहा कि हाँ बादशाह हम तेरे हजूर में आ गए हैं तू बयान कर कि क्या तूने देखा है उसने कहा मैंने जो देखा है वो तूने उतारा है वो सारे हैरान परेशान हो गए ये कैसे हो सकता है ये क्यों कर हो सकता है ये भेद क्या कोई इंसान जान सकता है क्या कोई बता सकता है उसने कहा बादशाह क्या तेरा दिमाग ठीक है ये तो फिर तो जिन्नात ही बता सकता है कि ये भेद क्या है या कोई ऐसा आलम आलम फाजल होगा जो बता सकता है कि ये क्या है मगर खुदा उसने बादशाह ने कहा कि मैंने जो हुक्म जारी कर दिया सो कर दिया उसने सुमान अपने शहर में ये ऐलान कर दिया और जाओ और जाके जितने मजूसी हैं जितने जादूगर हैं जितने जादूगर हैं जितने ये बाबू की ताबीज करने वाले हैं उनको लाओ अगर वो नहीं बता सकते तो उन सबको कत्ल कर दो आखिरकार ये बात जाते करते करते कहां पहुंची दानिया नबी तक पहुंच गई और दानिया जो था वो खुदा उसके खुदा अपने भेद उसके ऊपर जाहिर करता था खुदा अपने बंदा से मोहब्बत करता था आज खुदा उन सबसे भी मोहब्बत करता है जो क्या करते हैं उस पर ईमान लेकर आते हैं क्योंकि वो है खुदा मत अपने खुदा की इबादत करता था किसी मखलूक के आगे सजदा नहीं करता था और खुदा ने उसके ऊपर अपने भेद को खोला और उसके ऊपर जाहिर किया तो यहां पे लिखा है कि तब मैंने इसकी आखिरी बात पढ़ता हूं दानियल की दो बाब की 14 आयत में लिखा है कि दानियल को ख्वाब का मतलब दिखाई देता है तब दानियल ने बादशाह के अलवादारों के सरदार अलवेटियो को जो बाबल के हकीमों को कत्ल करने को निकला था खुद मंदी और अकल से जवाब दिया उसने बादशाह के अलवादारों के सरदार और अलवेटियो से पूछा कि बादशाह ने ऐसा सख्त हुक्म क्यों जारी किया है तब यूरोप ने दानियल से उसकी हकीकत बयान की उसने कहा कि मुझे ले चल उसके पास बादशाह के पास है मुझे ले चल ताकि मैं बादशाह से बात करूंगा और खुदा के भेदों को क्या है खुदा मुझ पर जाहिर करेगा और मैं वो बयान करूंगा तू किसी को पता ना पा किसी को क्या कर ना मार क्योंकि सब खुदा की बड़ाई मखलूक है और जब दानियल को लेकर गए तो दानियल ने क्या कहा कि बादशाह तो अब तक विजन है और तू जो तूने ख्वाब देखा है मुझे कुछ क्या कर मोहलत दे मुझे क्या कर मोहलत दे और जब वो कुछ दिन की मोहलत लेकर खुदा के हुजूर से खुदा के हुजूर में आया और उसने खुदा से क्या की फरियाद की कि खुदा दिलों के और दिलों का जांचने वाला तू है मैं तो एक खाक साक इंसान के हुजूर में सजदा रहता हूं और तू ही इन दिलों को खोल और बादशाह ने जो ख्वाब देखा था वो ताबीर जो देखा उसने था और ताबीर दानियल ने की उसकी कोई भी ना कर सका हालेलुया कोई कहेगा हालेलुया हालेलुया खुदावंद की तारीफ हो जैसे पास्टर साहब ने कल जान किया कि ये खुदा के क्या है भेद है ईदों के बारे में समझना या समझाना हर एक को नहीं पता इस बात का मगर खुदा ने वो अपनों के ऊपर भेद जाहिर किए और आप कौन थे वो खुदा के लोग थे इसराइल का मतलब क्या है खुदा के चुने हुए लोग आप खुदा के चुने हुए लोग हैं जिसको खुदा ने इस्तेमाल किया है और वो ईदे आपके ऊपर जाहिर की वो भेद खोले जब तक हमें इन चीजों का नहीं पता था वो खुदा ने हमें अता कर दिया हालेलुया और खुदा ने इसी तरह दानियल के ऊपर भी जाहिर किया और दानियल ने इसके ख्वाब को क्या किया बयान किया ठीक पढ़े इसके क्या बयान किया बादशाह ने क्या ख्वाब देखा और वो दानियल क्या बताता है बस दानियल एरुप के पास गया और जो बादशाह की तरफ से बाबुल के हकीमों के
कत्ल पर मुकर्रर हुआ था और उससे यूं कहा कि बाबुल के हकीमों को हलाक ना कर, मुझे बादशाह के हजूर ले चल, मैं बादशाह को ताबीर बताऊंगा। तबेरुक दानियल को शताबी से बादशाह के हजूर ले गया और अर्ज की कि मुझे यहूदा के असीरों में से एक शख्स मिल गया है जो बादशाह को ताबीर बता देगा। बादशाह ने दानियल से कहा, जिसका लकब बेलशज़र था, पूछा, क्या तू उस ख्वाब को जो मैंने देखा और उसकी ताबीर को मुझसे बयान कर सकता है? दानियल ने बादशाह के हजूर अर्ज़ की कि वो भेद जो बादशाह ने पूछा, हुक्मा और नजूमी और जादूगर और फालगीर बादशाह को बता नहीं सकते, लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो रात आसमान के बादशाह के लिए आसमान पर एक खुदा है जो क्या करता है, भेदों को खोलने वाला है। तो दानियल का खुदा है, उस वजन की इज्जत का खुदा है, उस सैमुएल का खुदा है, वो यिर्मयाह का खुदा है, इशाया का खुदा है, आज उन सब का खुदा है जो सच्चाई से उसके आगे दुआ करते हैं। हालेलुया। लेकिन आसमान पर एक खुदा है जो राज की बातें अशकारा करता है और उसने नबूकत नजर बादशाह पर जाहिर किया है कि आखिरी आयाम में क्या वकू में आएगा। तेरा ख्वाब और तेरे दिमागी ख्याल जो तूने अपने पलंग पर देखे ये है। बादशाह, तू अपने पलंग पर लेटा हुआ ख्याल करने लगा कि आइंदा को क्या होगा, सो वो जो राजों का खोलने वाला है तुझ पर जाहिर कहता है कि क्या कुछ होगा। लेकिन इस राज के मुझ पर अशकारा होने का सबब ये नहीं कि मुझ में किसी और ज़ई हयात से ज़्यादा हिकमत है, बल्कि ये कि इसकी ताबीर बादशाह से बयान की जाए तो तू अपने दिल के तसव्वुरात को पहचाने। ऐ बादशाह, तूने एक बड़ी मूरत देखी, वो बड़ी मूरत जिसकी रौनक बेनिहायत थी, बड़ी तेरे सामने खड़ी हुई और उसकी सूरत हैबतनाक थी। उस मूरत का सर खालिस सोने का था और सीना और उसके बाजू चांदी के, और उसका शकम और उसकी रानें तांबे की थी, और उसकी टांगें लोहे की, और उसके पाँव कुछ लोहे के और कुछ मट्टी के थे। तू उसे देखता रहा यहाँ तक कि एक पत्थर हाथ लगाए बगैर ही काटा गया और उस मूरत के पाँव पर जो लोहे और मट्टी के थे लगा और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब लोहा और मट्टी और तांबा और चांदी और सोना टुकड़े टुकड़े किए गए और ताबिस्तानी खलियान के भूसे की मानिंद हुए और हवा उनको उड़ा ले गई यहाँ तक कि उनका पता ना मिला। और वो पत्थर जिसने उस मूरत को तोड़ा एक बड़ा पहाड़ बन गया और तमाम ज़मीन में फैल गया। आमीन। अगर हम उसके भेदों को जानते हैं, अगर उसको समझने की खुदा है, हिकमत रहे काम करता है, तो हम तवज्जो करेंगे उसकी बात के ऊपर। जब हम तवज्जो करेंगे तो ग्रामीण को इसमें लिखा कि मस्त याद करके कहां से गिरा है। जब हम खुदा की तरफ तवज्जो हटा लेते हैं तो हमें क्या करता है, अपने इस भेद का है। अमरीज हर जगह में काम करता है, कहना चाहे कि चर्च में नहीं है, चर्च में ज्यादा काम करेगा क्योंकि उसको पता है कि खुदा के काम में उसमें खलल पैदा करता है। यही भेद है, यही भेद की बातें हैं जो खुदा जाहिर करता है लोगों के। आएंगे जब देखें पदाइश की किताब में कि खुदा एक और भेद अपना खोलता है और अपने मंदा के ऊपर वो जाहिर करता है। पदाइश 41 बाब, ये भी खुदा का एक हमशुब है, ये भी खुदा का एक नबी है, यूसुफ जो कि याकूब का बेटा था और उसके ऊपर खुदा ने जाहिर किया क्योंकि उसके भाई को उसको मार के फेंक दिया था, उसको देख दिया था, मगर खुदा ने अपने पिता को हमेशा अपने सर रखा। जी अब यहाँ पे वो कहते हैं कि उस बादशाह ने क्या देखा, उसने ये ख्वाब देखा और वो इस ख्वाब से हैरान था, परेशान था, मगर वो उसकी ताबीर जो है वो ख्वाब को बताता है जरूर, मगर उसकी ताबीर किसी को पता नहीं है। ख्वाब देखता है जी, ख्वाब देखता है वो। हाँ जी, फिरौन बादशाह 48वीं आयत 41 बाब की पहली आयत पढ़े। पूरे दो वर्ष के बाद फिरौन ने ख्वाब में देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है और उस दरिया में से 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायें निकल कर निस्तान में चरने लगी। उनके बाद और 7 बदशकल और दुबली दुबली गायें दरिया से निकली और दूसरी गायों के बराबर दरिया के किनारे जा खड़ी हुई, और ये बदशकल और दुबली दुबली गायें उन 7 खूबसूरत और मोटी मोटी गायों को खा गईं। तब फिरौन जाग उठा
और वो फिर सो गया और उसने दूसरा ख्वाब देखा कि एक डांटी में अनाज की साथ मोटी और अच्छी अच्छी बालियां निकली उनके साथ और साथ पतली और पूर्वी हवा की मारी मुरझाई हुई बालियां निकली। ये पतली बालियां उन सातों मोटी और भरी हुई बालियों बालों को निकल गई और फिर आउन जाग गया और उसे मालूम हुआ कि ये ख्वाब था। और सुबह को यूँ हुआ कि उसका जी घबराया, तब उसने मिस्र के सब जादूगरों और सब दानिशमंदों को बुलवा भेजा और अपना ख्वाब उनको बताया, पर उनमें से कोई फिरौन के आगे उसकी ताबीर ना कर सका। आमीन। क्योंकि खुदा की ताबीर भेदों के जानने वाला जो है वो एक आसमान का खुदा है जो अपने लोगों में जाहिर करता है और उसने भी वो भेद उस दानियल के ऊपर जाहिर किए जिस पर दानियल जाहिर किए उसी तरह उसने यूसुफ पर जाहिर किए और उसने ज्ञान किया कि ये ख्वाब कैसा है तो मुझे बता दे। और इस ख्वाब का मतलब ये था कि जब उसने बादशाह को बताया इससे पहले बादशाह ने दो कैदी थे उनको भी कैद में रखा था और जानिए जो यूसुफ को भी कैद में रखा हुआ था तो जब उसने साथी से कहा कि जब तू बादशाह के पास जाएगा तो मुझे याद रखना मगर वो जो उसका जो वजीर था वो उसको भूल गया मगर खुदा ने अपने बंदा को हमेशा याद रखा और और उसने यूसुफ को जब वो साकी को बुलाया गया और उसने उसका प्याला लिया उसने कहा हाँ यहूदा में से एक आदमी है जो अब्रानी है वो क्या करता है वो इस भेद को बता सकता है तेरे काम में क्या देखा है। और जब वो उसको भेद आके उसने ठीक उसको बुलवाया यूसुफ जब बाहर आया और उसने से क्या कहा उसने कहा कि मैंने ये बात देखा है और ये क्या है उसने कहा कि बादशाह सलामत जीता रहे और तूने जो ख्वाब देखा है वो ये है कि सात साल तक तेरे मुल्क में क्या पड़ेगा कौन पड़ेगा पहले तेरी फसल क्या होगी अच्छी होगी इसको अगर तू संभाल सकता है संभाल लेना वरना सात साल के बाद क्या होगा कौन पड़ेगा लोग बहुत परेशान हो जाएंगे दूसरे मुल्कों से लोग आके क्या लेंगे तेरे पास से अनाज लेंगे अगर तू संभाल सकता है तो संभाल ले वरना कोई और नहीं संभाल सकता। तो बादशाह ने क्या कहा कि ऐ यूसुफ तेरे जैसे दानिशमंदों का मतलब कौन है तो मैं तुझे अपना वजीर बनाता हूँ और फिरौन के अंदर मिस्र के अंदर तुझे ऐलान करता हूँ कि तू क्या करेगा इसकी इसका ऐलान करेगा और इस फसल को तू ही संभालेगा। और खुदा ने अपने भेद इसके ऊपर जाहिर अगर हम खुदा की बात को समझते हैं उसके भेदों को समझेंगे समझने की कोशिश करेंगे तो खुदा अपने भेदों को रोके क्या करता है जाहिर करता है क्योंकि लिखा है कि आसमानों में खुदा है। तो खुदा ने हिकमत और दिलाई अपना भेद सुलेमान के लिए जाहिर किया है ऐ दाऊद ने भी जाहिर किया सैमुएल ने भी जाहिर किया क्योंकि वो खुदा के क्या थे लोग थे और खुदा उनसे मोहब्बत रखता था। اے خداوند تو نے مجھے ترغیب دی اور میں نے مان لیا تو مجھ سے توانا تھا اور تو غالب آیا میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے لیکن جب جب میں کلام کرتا ہوں زور سے پکارتا ہوں میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے اور میں ضبط کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا کیونکہ میں نے بہتوں کی تہمت سنی چاروں طرف دہشت ہے ان کی شکایت اس کی شکایت کرو وہ کہتے ہیں ہم اس کی شکایت کریں گے میرے سب دوست میرے ٹھوکر کھانے کے منتظر ہیں اور کہتے ہیں شاید وہ ٹھوکر کھائے تب ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے بدلہ لیں گے آمین دوسرا تیموتھیوس
चार भाग की छह है, छह से आठ तक क्योंकि खुदा, क्योंकि मैं कुर्बान हो रहा हूं और मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो अदल मुनसफ यानी खुदावन मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सबको जो उसके जहूर के आरजूमंद हों। आमीन। जो उसके जहूर के आरजूमंद होंगे वो सेहरा खुदा ने उनके लिए रखा हुआ है, रख छोड़ा है ताकि उस भेद की बातों को जाने, क्योंकि लिखा है कलाम मुकद्दस में खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने दोस्त अपने शागिर्द को अपने बेटे को ये नसीहत करता है कि मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने वो ताज हासिल कर लिया, उस खुदा के भेदों को जान लिया, मैंने उस खुदा के कलाम को आगे मुरादी कर दी, जो कुछ खुदा ने मुझे दिया मैंने फैला दिया। अब वक्त है कि तू तैयार हो और मजबूत हो ताकि खुदा के भेदों को लेकर आगे जाए। वो भेद कौन से भेद थे, कौन सी बातें थी? आसमान की बात है, की बात हालेलुया हालेलुया, आसमान की बातें, जमीन की नहीं। ताकि तू जमीन के भी लोगों को तौबा कराए, लोगों को निजात का रास्ता दिखाए, ताकि वो आसमान की बात है जो आज बन गए, जो उसकी जहूर के आंसू मन होंगे, जो लोग उसके तलबगार होंगे उनका खुदा होगा। लिखा है कि फिर मैं उनका खुदा होगा, वो मेरे लोग होंगे। एक मैं जल आने वाला हूं, एक मैं जल आने वाला हूं, और हर एक के काम के मौका देने के लिए जल मेरे पास। अगर हम उसकी बातों को समझेंगे, देखो कि जो उसने खुदा का खादम आया और उसने वो भेद की बातें बताई हैं कि हमने कौन सी ईद मनानी है, कौन सी शुक्रगुजारियां करनी है। इससे पहले हम दोनों भी आपको ये बताते रहे हैं, बेटा भी आपको बताता है, ये बातें किसी खादिम को शायद पता होगी जो आप लोग जानते हैं, ये भेद की बातें किसी खादिम को शायद पता होगी। अगर खुदा ने आपके ऊपर अपना क्या किया है, अस्कारा किया है, अपने भेदों को जाहिर किया है ताकि आप उनको जाने और ये आपकी औलाद आपकी नस्लें क्या पाए, जिंदगी पाए और कसम की जिंदगी पाए। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि वक्त करीब है, समझ लो कि इस्लाम की आमद बहुत करीब बात की है। आकाश का तीन बाप और उसकी हम देखते हैं आज में लिखा है तीन बाप की तीन छह लेकर छह तक। बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई, किस तरह की तालीम पाई है, याद कर कि तूने किस तरह की तालीम पाई है। क्या तूने वो तालीम पाई है शराबी कबाबियों वाली, या तूने बुरी सोचों वाली, या नाम खाने वाली जो खुदा के हुक्म को नहीं मानते, जो खुदा की आवाज को नहीं सुनते, तूने इस तरह की तालीम पाई है? नहीं, तूने इस तरह की तालीम नहीं पाई, तूने किस तरह की तालीम पाई है जी, और उस पर कायम रह और तौबा कर, और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सर्दीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं। कितने? थोड़े से। कितने? थोड़े से। तो हम लोग कितने हैं? थोड़े से। वो सर्दीस में थे मगर यहाँ पाकिस्तान में यरूशलेम की कलीसिया है ये, लेकिन लोग यरूशलेम के हैं आप सब लोग, जो खुदा की आरजू मान है कि खुदा को यीशु मसीह की दूसरी आमद आने वाली है, और हम सब लोग उसके लिए तैयार रहेंगे क्योंकि खुदा को यीशु मसीह जब आप लोग आएगा तो हम सब लोग दौड़ के उसका आह्वान है इस्तकबाल करेंगे। हम सब नहीं बल्कि वो सब भी जिन्होंने उसको देखा था छेदा था वो भी देख लेंगे जी, जिन्होंने अपनी पोशाक अलूदा नहीं की वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काटूंगा बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आमीन आमीन। रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है? खुदा का पाक रूह, खुदा का कलाम, खुदा के भेद की बातें, और खुदा का ये जिंदगी बात जो हमें जिंदगी देने के लिए आया है ताकि जिंदगी पाए और
कि तूने किस तरह की तालीम पाई है, किस तरह का कलाम सीखा है अपने उस्तादों से। तो फिर तुम्हें तस्दीक है कि अपने उस्तादों में क्या रहो, साबिर रहो। जिन्होंने तुम्हें ये भेद की बातें बताई हैं, जिन्होंने तुम्हें ये खुदा की आवाज पहुंचाई है, और जितनों ने इसको कबूल किया उतनों को उसने अपना फर्ज़ करने का हक बख्शा। और जब वो हमें हक किस चीज का देता है, आज हम अपनी औलाद को वो हक देते हैं कि बेटा मेरे पास जाने के बाद ये सब कुछ तेरा है, ये तेरा हक है। मुझे गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आया और उसने कहा कि तू अपनी मर जाने के बाद अपनी पेंशन किसके नाम करेगा, ये क्या था हक था। उन्होंने कहा कि ये तुझे डायरेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से है, किसको देगा, बेटे को देगा या वाइफ को देगा, किसको देगा। तो मैंने क्या कहना था, तो मेरे पास कौन वारिस होगा, मेरी वाइफ होगी या बेटे होंगे, बल्कि क्या है कि ये लोग जो खुदा के सर खरीदे हुए हैं ये सब कुछ इनका है, ये चर्च यरूशलेम चर्च जो है ये आपका है। मेरा ईमान है कि मैं खुदा के रूह को गुजार हूं ताकि हम सब लोग उस खुदा के हक के वारिस बन जाएं। वो तो दुनिया की चीज है मगर ये क्या है, रूहानी चीज है। खुदा हमें रूहानियत में ले रहा है, नहीं हुई और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का क्या करूंगा, इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या होगा। खुदा का रूह कुदस हमारी जिंदगी में कसर से काम करता है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें आज इसी लाइन बनाया है कि हम उसके कलाम को सीखें, उसके भेदों को जानें। जितनों ने इसको कबूल किया उतनों को उसने अपना प्रदान करने का हक बख्शा। और हमारा खुदा जो है उसने दुनिया से मोहब्बत रखी और अपने इकलौते बेटे को दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए लाख ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की जिंदगी में मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि तुम जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे तुम भी हो, तुम्हारे दिल न घबराए, तुम परेशान ना हो, बल्कि तुम अपने आप को क्या करो, तैयार करके रखो। क्या कि जैसे वो गीत गाया हवा के वो भेजा वाला है, यीशु ने जदो वाला है, पीछे न रह जाने तू पर मेरा आमीन।